का चंचे किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल की खीर, जो कि आप व्रत में खाते हैं। ये मैंने समा के चावल लिए हैं एक छोटी कटोरी, और इसमें डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, चिरौंजी, बादाम, पिस्ता, और साथ में लिया मैंने 1 लीटर दूध। कढ़ाई हमने रख दी है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे हमारा दूध तले पर चिपके नहीं, और गैस को कर देते हैं ऑन। हमने अपना दूध कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से पहले बॉईल करेंगे। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, जब तक हम अपनी समा के चावल को थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे पानी में, हमारे दूध में बॉईल आने लगा है। इसे हम एक बार चला देंगे, और साथ ही मैंने लिया थोड़ी सी केसर लिए। इसमें हम ये थोड़ा सा गरम दूध डाल देंगे, जिससे इसका कलर अच्छी तरह से आ जाए, और इसे साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। दूध को हम एक बार चलाते रहेंगे। जब तक हम अपने चावल धो लेते हैं, हमने अपने चावल धो लिए हैं, अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे ये समा के। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस खीर को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो हमारा दूध साइड में आ जाता है, उसे हम इसी में इस तरीके से डाल देंगे, जिससे ये काफी अच्छा लगता है। और धीमी गैस करके इसे हम 5 मिनट के लिए पहले कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गए, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें काफी अच्छी बॉईल आने लग गया, और हमारे समा के जो चावल हैं, ये काफी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी, मीठा आप अपने स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद है। मैं इसमें आधी कटोरी करीब मिला रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे। साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट, आधे आधे करेंगे हम, क्योंकि बाद में हम गार्निश के लिए थोड़े से बचाएंगे। केसर वाला दूध, सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे 2-3 मिनट के लिए हम फिर कवर कर देंगे। हम एक बार फिर अपनी खीर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं केसर डालने से इस पे कितना अच्छा कलर आया है। एक बार चेक कर लेते हैं अपने चावलों को, और ये अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। अब इसे हम कर देंगे बंद, और फिर प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। हमारी समा की चावल की खीर बनके तैयार है। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।